दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वार्ट्स यानी मस्से क्या है, ये क्यों होते हैं, इनके सिम्टम्स, इनके टाइप, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, इससे कैसे बचना है। सबसे पहले हम जानते हैं मस्से क्या होते हैं। ये एक स्किन इन्फेक्शन है जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। मस्से होने का पहला कारण है अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हो जिसे ऑलरेडी मस्से हुए हैं तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऐसे पर्सन के टॉवल, स्लीपर और कपड़े शेयर करने से आपको चांसेस बढ़ जाते हैं मस्से होने के। कभी कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी मस्से यानी वॉर्ट्स होते हैं। जो लोग नेल्स बाइटिंग करते हैं उस केस में भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मैं सिम्टम्स की बात करें तो मस्से डोम शेप्ड होते हैं, कभी कभी ये फ्लैट भी होते हैं, रफ भी होते हैं और स्किन कलर टाइप के होते हैं, जैसे ब्राउन, ग्रे और ब्लैक। दोस्तों, मस्से भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे नंबर 1 कॉमन वॉर्ट्स, ये बेसिकली हाथों में होते हैं। नंबर 2 फ्लैट वॉर्ट्स, ये फेस और फोरहेड एरिया में होते हैं। नंबर 3 पैलेंटर वॉर्ट्स, ये मस्से पैर के तलवे में होते हैं और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा पेन करते हैं। नंबर 4 जेनिटल वॉर्ट्स, ये मेनली पेनिस, वेजाइना और रेक्टल में होता है, ये इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल एक्टिविटी से फैलता है। नंबर 5 पेरियंगल एंड सबिंगल, ये हाथ पैर के नेल्स में होता है। अब हम डिस्कस करते हैं मस्से यानी वॉर्ट्स के इलाज के बारे में। हम इस वीडियो में देसी और विदेशी दोनों इलाज के बारे में बात करेंगे। पहला है सेलिसाइलिक एसिड जल, ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगी। ये आपके मसों के लेयर पे डिजोल्व हो जाती है और आपकी हेल्दी स्किन को बिल्ड करती है। इस जेल को आपने डेली रात को सोते वक्त लगाना है। दूसरा है फ्रीजिंग, इस मेथड में डॉक्टर मसों को नाइट्रोजन गैस से फ्रीज यानी जमा देते हैं और वो फ्रीज होने के बाद छाला बन के गिर जाता है। इस मेथड को क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। तीसरा है इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी की जरूरत तब पड़ती है जब बहुत कुछ ट्राई करने के बाद भी आपका मसा ठीक नहीं हो रहा है। इसमें मरीज को DCP दिया जाता है जिससे उसका इम्यून सिस्टम फाइट करने लगता है मसों से और धीरे धीरे मसे गिरने लग जाते हैं। चौथा है लेजर ट्रीटमेंट, इसमें लेजर का यूज किया जाता है जिससे मसे के अंदर का ब्लड वेसल डिस्ट्रॉय हो जाता है और मसे गिर जाते हैं। पांचवा है टॉपिकल मेडिसिन, इसमें कैंथार्डिंग केमिकल से मसों के ब्लड वेसल को रोक दिया जाता है और मस्से धीरे धीरे गायब होने लग जाते हैं। इनके अलावा आप घरेलू नुस्खों से मस्सों को भगा सकते हैं, जैसे केले के छिलके। केले के छिलके में पोटेशियम होता है, अगर आप हर रात को केले का छिलका अपने मस्सों पर अप्लाई करो तो उससे मस्से बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसके अलावा अदरक, संतरे का छिलका, पाइनएप्पल और आलू और भी बहुत नेचुरल चीज़ें जिनसे आप अपने मस्से को हटा सकते हो। दोस्तों, मस्से से बचने के लिए और इसको फैलने से रोकने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर आपके फेस में मस्सा हुआ है तो आपको शेविंग नहीं करनी है, बार बार नेल्स को नहीं चबाना है, अपना टॉवल, अपना कपड़े और अपना रेजर किसी को शेयर नहीं करना है। बहुत सारे लोग अपने मस्से को काट देते हैं, इससे वो और ज़्यादा फैल सकता है, और ध्यान देना किसी और के मस्से को टच नहीं करना है। अगर किसी व्यक्ति को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकता है या फिर हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करके अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर करना। फिर मिलते हैं, बाय बाय।